हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे मैक्स पेन के बारे में, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या यूज होता है। हाय, आई एम ऋषभ शर्मा, दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। दोस्तों, अगर कोई ट्रेड अंडरलाइंग ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं जाता तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है, और अगर मार्केट ना ऊपर गया या वहीं रह गया या फिर उसके अगेंस्ट गया तो एक कॉल बायर को काफी नुकसान होगा। पुट ऑप्शन बायर्स एक्सपीरियंस द सेम थिंग इफ द अंडरलाइंग डज नॉट फॉल इन द वैल्यू और राइज इन वैल्यू और रिमेन्स वेयर इट इज। द रीजन फॉर दिस इज थीटा डिके, विच इज ऑप्शन बायर्स एनिमी। इन शॉर्ट, एक ऑप्शन बायर पैसे लूज करेगा अगर ऑप्शन इन द मनी में एंड अप नहीं करता। दूसरी तरफ ऑप्शन सेलर्स या राइटर्स, जैसे उन्हें जाना जाता है, उनको प्रॉफिट होता है अगर उनकी पोजीशन एट द मनी या आउट ऑफ द मनी में एंड अप करती है। यह माना जाता है कि ऑप्शन राइटर्स को मार्केट कंडीशन की बेटर समझ रहती है एंड उनकी जेब में ज्यादा पैसा रहता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग को सब्सटेंशियल मार्जिन मनी की जरूरत होती है। ऑप्शन राइटर्स यूज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज टू एग्जीक्यूट नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स। इसमें कॉल्स एंड पुट्स का राइटिंग करके पोजीशन की हेजिंग की जाती है। इसी वजह से ऑप्शन राइटर्स के स्टेक्स काफी हाई होते हैं। इसीलिए माना जाता है ऑप्शन राइटर्स अपने प्रॉफिट को सेफगार्ड करेंगे या फिर कम से कम लॉस करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दिस मीन्स दैट इफ द ऑप्शन सेलर्स स्टैंड टू मेक द मोस्ट प्रॉफिट, ऑप्शन बायर्स विल एंड्योर द मोस्ट पेन। मैक्स पेन एक स्ट्राइक प्राइस है जहां ऑप्शन राइटर्स मिनिमम लॉस फेस करते हैं और ऑप्शन बायर्स मैक्सिमम लॉस फेस करते हैं। मैक्सिमम पेन थ्योरी सेज दैट द ऑप्शन प्राइस जनरली ग्रेविटेट टुवर्ड्स द मैक्सिमम पेन स्ट्राइक प्राइस, द प्राइस एट विच द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स विल एक्सपायर वर्थलेस। आइए समझते हैं कि हम कैसे उस स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट करते हैं जिस पर ऑप्शन बायर्स को भारी लॉस होता है। पहला स्टेप है स्ट्राइक प्राइस को यूज करके ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ लिस्ट करना। उसमें कॉल्स और पुट्स की पर्टिकुलर एक्सपायरी लिस्ट भी होती है। ये एक्सपायरी वीकली या मंथली भी हो सकती है। दूसरा स्टेप है प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना जो ऑप्शन राइटर एक्सपीरियंस करता है एट द स्ट्राइक प्राइस ऑन एक्सपायरी। प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों कॉल एंड पुट ऑप्शन राइटर्स का लॉस ऐड होना चाहिए एट द गिवन स्ट्राइक प्राइस। द लास्ट स्टेप इज टू फाइंड द स्ट्राइक प्राइस विद मिनिमम लॉस फॉर द ऑप्शन राइटर्स। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एन एग्जाम्पल। मान लीजिए मार्केट 17,100 पे एक्सपायर हुआ। 17,100 के स्ट्राइक प्राइस पे दोनों कॉल एंड पुट राइटर्स को कोई लॉस नहीं होगा, और कॉल स्ट्राइक्स 17,100 के ऊपर कोई लॉस नहीं बनाएगा और वर्थलेस हो जाएगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी बन गया है। द कॉल राइटर्स विल पॉकेट द एंटायर प्रीमियम। पुट स्ट्राइक प्राइस अबव 17,100 विल इनकर अ लॉस एज दे विल बिकम इन द मनी। इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस एंड अंडरलाइंग प्राइस में ये डिफरेंस है दोस्तों कि लॉस इन पॉइंट्स 17,100 के ऊपर होता है। ये लॉस इन पॉइंट्स ओपन इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होके लॉस इन वैल्यू ऑफ द पुट बनता है उस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के लिए। तो 17,200 का पुट स्ट्राइक 100 पॉइंट्स का लॉस बनाएगा, जो कि डिफरेंस है स्ट्राइक प्राइस एंड अंडरलाइंग प्राइस के बीच का। इफ द ओपन इंटरेस्ट फॉर द पुट स्ट्राइक ऑफ 17,200 इज 44,256, then the put loss will be 44,25,600. Similarly, for a put strike of 17,300, if OI is 38,401, the put loss will be 76,80,200. वैसे ही हमें losses for all strikes को calculate करना है और उनको aggregate करना है। अब अगर ये मान लेते हैं अगला expiration 17,200 पे होगा, इसका लॉस पुट स्ट्राइक 17,300 एंड अबव होगा। लॉस फॉर कॉल ऑप्शंस सिर्फ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 17,200 पे होगा। कॉल लॉस 100 पॉइंट्स होगा एंड उसका वैल्यू होगा 7,25,300। पुट लॉस 23,15,18,000 होगा और टोटल लॉस होगा 23,23,43,300। इस टेबल में देखा जा सकता है कि मैक्स पेन 17,900 की स्ट्राइक प्राइस पर है। इसी पॉइंट पर बायर्स सबसे ज्यादा पैसा लूज कर देते हैं और मार्केट स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलता है। एट द सेम टाइम सेलर मेक द मैक्सिमम मनी इफ द ऑप्शन एक्सपायर एट दैट प्राइस।
अब आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, जो है मैक्स पेन का यूज। मैक्स पेन का ट्रेडिंग में तब यूज हो सकता है जब अंडरलाइंग प्राइस मैक्स पेन स्ट्राइक से ज्यादा या कम है। एक इंसान या तो लॉन्ग जाने का देख सकता है या शॉर्ट, जो कि लोकेशन ऑफ मैक्स पेन पॉइंट पे डिपेंड करता है। कोई इसका इस्तेमाल एग्जिस्टिंग पोजीशन को एग्जिट करके प्रॉफिट या लॉस बुक करने में भी कर सकता है। याद रहे, मैक्स पेन टेस्टेड थ्योरी नहीं है और डायनेमिक है, इसीलिए ट्रेड्स को ध्यान से मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके चैप्टर्स रीड कर सकते हैं। टेल अस व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.